हेलो एवरीबॉडी गाइस, अगर आप भी एक एंड्रॉयड यूजर तो गाइस आपको इस सेटिंग के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। वीडियो थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गाइस चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले तो हम सेटिंग को ओपन करेंगे और सेटिंग जैसे ही ओपन करते हैं गाइस हमें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। सिंपली हमें एक काम करना है, नीचे की तरफ से स्क्रॉल करना है और गाइस नीचे हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है सिस्टम। गाइस सिंपली इस पर क्लिक करना है और सिस्टम पर जैसे ही क्लिक करते हैं गाइस हमें यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पर रीसेट ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, सिंपली इस पर क्लिक करना है। और गाइस जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे हमें फोर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। पहला जो है गाइस रीसेट वाईफाई एंड मोबाइल डाटा एंड ब्लूटूथ यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद सेकंड नंबर आप देख सकते हो रीसेट ऐप परफॉर्मेंस। उसके बाद थर्ड नंबर पर आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस रीसेट ऑल सेटिंग। और फोर्थ नंबर पर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है इरेज ऑल डाटा फैक्ट्री रीसेट। गाइस जो पहला नंबर है इसे अगर हम करते हैं तो आपके फ़ोन में जब भी नेटवर्क से संबंधित इशू हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रीसेट वाईफाई एंड मोबाइल डाटा पे क्लिक करना है और यहाँ से रीसेट कर देना है। गाइस जैसे ही रीसेट करोगे आपके नेटवर्क से संबंधित जितनी भी इशू वगैरह होंगे वो सारी की सारी सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद बैक जाना है गाइस, और बैक जाने के बाद अगर आपके फ़ोन में कोई भी एप्लीकेशन अगर सही से वर्क नहीं कर रहा है तो आपको यहाँ पे सेकंड नंबर पे देखने को मिल जाता है रीसेट ऐप परफॉर्मेंस। सिंपली इस पर क्लिक करना है और गाइस जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते उसके बाद हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है रीसेट ऐप्स। तो गाइस जैसे ही यहाँ से क्लिक कर देते हो रीसेट ऐप्स तो आपके जो भी इशू वगैरह होंगी एप्लीकेशन में वो सही हो जाएंगी, बिल्कुल फिक्स हो जाएगा गाइस और आपका एप्लीकेशन वगैरह बिल्कुल सही से वर्क करने लगे। उसके बाद गाइस हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है थर्ड नंबर पे रीसेट ऑल सेटिंग। गाइस आपके फ़ोन में कोई भी इशू हो अगर सेटिंग से रिलेटेड, या फिर कोई सेटिंग आपने गड़बड़ कर दी, या फिर कोई बच्चा अगर मोबाइल का जो सेटिंग वगैरह कुछ गड़बड़ कर देता है तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है रीसेट ऑल सेटिंग और गाइस रीसेट कर देना है। गाइस जैसे ही रीसेट करोगे आपके फ़ोन से बिना कुछ डिलीट हुए आपके फ़ोन का जो भी सेटिंग वगैरह गड़बड़ हुआ होगा वो अपने आप ही फिक्स हो जाएगा। गाइस उसके बाद हमें यहाँ पे फोर्थ नंबर पे देखने को मिल जाता है इरेज ऑल डाटा एंड फैक्ट्री रीसेट। गाइस जैसे ही इस पर हम क्लिक करते हैं और इरेज डाटा जैसे ही करते हैं आपके फ़ोन से जितनी भी फाइल्स वगैरह होंगे वो सब का सब डिलीट हो जाएगा और आपका फ़ोन जैसे न्यू आता है ब्रांड न्यू वैसा आपका फ़ोन बन जाएगा। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग।